और चलिए आप रुख करेंगे राजस्थान की खबरों का। जयपुर से खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजन लाल ने यहां जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं, अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भजन लाल ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाया। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस दरमियान मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच जाकर इनकी फरियादें ली, साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के त्वरित निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी। सरकार ने राजस्थान में पेट्रोल और डीजल से 2% वैट कम कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के फैसले के बारे में खुद मीडिया को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग थे और उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक जिस शहर में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे अधिक थे वहाँ पर ज़्यादा पैसे कम किए होंगे, साथ ही जिस जिले में कम रेट है वहां पैसे कम घटेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से सरकार पर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा। तो वहीं राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल को लेकर के आज हमने 2 कायल इसमें किए हैं, लगभग 5 रुपए 28 पैसे का अंतर था और पेट्रोल में लगभग इतना ही अंतर था। ये विसंगति थी, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने उस विसंगति को भी दूर किया है और वेट की दर में 2% हमने कमी की है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, मुख्यमंत्री से मिला है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की गई। भजनलाल शर्मा की सरकार ने 2% वैट घटा दिया है। इस दरमियान एसोसिएशन ने मुलाकात की है, ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है डीजल पेट्रोल एसोसिएशन का ये दल। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने घटा दिया है 2% वैट, जनता को राहत दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ है। विष्णु हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। विष्णु, क्या माना जाए, एक बड़ी राहत दी है मुख्यमंत्री ने और तमाम जो विसंगतियां चली आ रही थी उनको भी दूर किया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव से पहले ये जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है और उनके जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें भी पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने का वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने हर सभा के संबोधन में ये गारंटी दी थी कि पेट्रोल डीजल में की समस्या की जाएगी और फिर पेट्रोल डीजल का वेट कम किया जाएगा। और इसी को लेकर उन्होंने 2% की जो राहत दी है वेट कम किया है, इसको लेकर आमजन में बहुत काफी खुशी का माहौल है। दूसरा, पेट्रोल डीजल के एसोसिएशन के जो कर्मचारी और अधिकारी है तो उन्होंने भी सभी ने सामूहिक जाकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया है और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताया है। विष्णु, दो तरफ से लोगों को राहत मिली, एक तरफ राज्य सरकार ने वैट कम किया तो दूसरी तरफ से केंद्र सरकार ने भी 2 रुपए की राहत दी है डीजल पेट्रोल में। ऐसे में कितने रेट का अंतर राजस्थान में देखने को मिल रहा है? जी, राजस्थान में पेट्रोल पे 5 से 5.5 रुपए का अंतर मिलेगा और डीजल पे 3 से 3.5 रुपए का अंतर मिलेगा, जो की केंद्र सरकार ने जो 2 रुपए की राहत दी है उसमें और राजस्थान की जनता को डबल फायदा हो जाएगा इससे और उनको 5 रुपए से ज्यादा की राहत मिलेगी। और दूसरा, जो विसंगतियां कहीं कहीं जैसे बॉर्डर पे पेट्रोल के भाव ज्यादा थे, डीजल के भाव ज्यादा थे, तो अब सारे पूरे राजस्थान में हर जिले में एक ही रेट से पेट्रोल और डीजल मिल पाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। टोंक पहुंचे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद वर्मा। जी हां, फूलमालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया है। जिला अध्यक्ष अजीत मेहता के नेतृत्व में स्वागत हुआ। उप मुख्यमंत्री ने विकसित भारत कार्यक्रम में शिरकत की है, तस्वीरें आपके सामने। चलिए आगे बढ़ेंगे। डीडवाना नगर परिषद में एक साथ 19 कामों के टेंडर निकाल दिए गए हैं और रोचक बात यह है कि डीडवाना नगर परिषद के अधिकारियों को अचानक जरूरी कार्य करवाने याद आ गए और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले आनंद फानंद में टेंडर निकाल दिए गए। नगर परिषद के AEN दिलीप कुमार ने भी स्वीकारा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले कई जरूरी कामों के टेंडर निकालने जरूरी थे और इस कारण ये टेंडर निकाले गए हैं। काम होगा नहीं होगा ये अलग विषय।
इसमें यह है कि आयुक्त साहब अभी मीटिंग में गए हुए हैं और ये जो टेंडर जो किए जा रहे हैं 19, ये सिविल वर्क ने होकर के जो सामने चुनाव आचार संहिता आ रही है उसमें जो आवश्यक काम जो वर्क हैं, जैसे सप्लाई है, जैसे पानी टैंकर है या कोई अन्य प्रकार के काम होंगे, क्योंकि अगर वो टेंडर नहीं होंगे तो वो काम वहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, इसलिए जो नेसेसरी है वही टेंडर किए, बाकी नहीं किए।